हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ्स पर फ्रेंड्स हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल्स में आई हुई एक और नई वैकेंसी की फ्रेंड्स वैकेंसी की सभी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले आप सभी से एक ज़रूरी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आ रहे हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल से ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी तो आइए फ्रेंड्स अब बात करेंगे इस नई वैकेंसी की और सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ पर जहां पर वैकेंसी आई हुई है सो so फ्रेंड्स आज की जो ये नई वैकेंसी है ये आई है आर्मी पब्लिक स्कूल मिलिट्री स्टेशन हिसार से तो आर्मी पब्लिक स्कूल जो हिसार में है वहां की ये वैकेंसी है तो जो वेबसाइट का एड्रेस है फ्रेंड्स वो है डब्ल्यू 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 डॉट ए पी एस हिसार डॉट कॉम तो आप जब वेबसाइट पर आएंगे तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिएगा और यहाँ पर एक न्यूज़ का सेक्शन है लेटेस्ट न्यूज का सेक्शन है तो यहाँ पर एक न्यूज़ आपको फ्लैश होती हुई नजर आएगी ये यह देखिए यहाँ पर जो ये न्यूज फ्लैश हो रही है रिक्वायर्स टीचिंग एंड एडमिन स्टाफ फॉर फिक्स्ड टर्म बेसिस तो यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पर दिया गया है आइए सबसे पहले मैं आपको ये एडवर्टीजमेंट दिखा देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर डिटेल है और वैकेंसी कौन कौन सी आई हुई है सो so फ्रेंड्स ये है वो एडवर्टीजमेंट जो कि आया है आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार की तरफ से तो जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है टीचिंग और एडमिन स्टाफ की फिक्स्ड टर्म बेसिस पर सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिएगा कि बात करें टीजीटी की तो इंग्लिश में यहाँ पर तीन वैकेंसीज हैं मैथ्स में एक वैकेंसी है फिजिक्स की भी वैकेंसी है बायो ज्योग्राफी और संस्कृत की वैकेंसी है इसके साथ साथ यहाँ पर टी टी आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसी है टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन की भी एक वेकेंसी है इसके साथ साथ हेल्थ एंड वेलनेस टीचर कम काउंसलर की वैकेंसी है यहाँ पर पी की भी चार वैकेंसी है फ्रेंड्स इंग्लिश मैथ्स हिंदी एंड हैस ओनली तो टोटल जो पी की वैकेंसीज दी गई हैं वो फोर वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं सभी क्वालिफिकेशन जो कि रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर मैंशन कर दी गई हैं इंटरव्यू आपका जो होगा वो मार्च ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में होगा यानी नेक्स्ट मंथ कभी भी आपका इंटरव्यू हो सकता है इसके अलावा फ्रेंड्स ये तो टीचिंग स्टाफ की बात हुई यहाँ पर एडमिन स्टाफ की वैकेंसी भी आई हुई है जैसे कि रोबोटिक्स ट्रेनर की वैकेंसी है वन, एक एक लोअर डिवीजन क्लर्क की की वैकेंसी वैकेंसी है है इसके साथ साथ एक और डेटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन लैब अटेंडेंट लाइब्रेरियन और ड्राइवर की यहाँ पर भी वैकेंसी आई हुई है जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो है सेकेंड मार्च टू थाउजेंड यहाँ पर आपको एक हंड्रेड रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार तो तो सभी फॉर्म भेजें तो 100 का डिमांड ड्राफ्ट लगाना ना भूलिएगा ऑल कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड फॉर कंप्यूटर लिटरेसी लैंग्वेज प्रोफिशंसी टेस्ट फॉर लैंग्वेज टीचर्स विल बी कंडक्टेड तो सभी कैंडिडेट्स का एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा फ्रेंड्स और जो भी लैंग्वेज टीचर के लिए अप्लाई करेंगे उनका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट अलग से होगा CTET or TET is not mandatory for initial engagement. However, selected candidates would be required to pass the same within their probation term of two periods, two years. So, friends, यहाँ पर CTET और TET mandatory नहीं है अगर आपने CTET या TET नहीं भी किया है तो आप apply कर सकते हैं लेकिन अगर आप select हो जाते हैं job में तो आपको अपने पहले दो साल का जो probation period होगा उसी के दौरान आपको ये exam clear करना जरूरी है तो सभी डिटेल्स फ्रेंड यहाँ पर मेंशन है जो भी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है सब मेंशन यहाँ पे कर दी गई हैं आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ध्यान से देखिएगा और कोई अगर आपका डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा मुझे बहुत खुशी होगी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगली वीडियो में गुड बाय